गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसे आपको पता है, अभी मैं पंजाब आई हुई हूँ, और जिनको नहीं पता है, आई बिलोंग्स टू नवांशहर, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, और जिसका ऑफिशियल नेम है शहीद भगत सिंह नगर। और अभी यहाँ पे पास में उनका म्यूज़ियम है, तो आज हम वो विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। मैं बचपन से लेके और मतलब बहुत जाती रही हूँ वहाँ पे, और अभी तो बहुत सालों के बाद जा रही हूँ। तो चलो आज आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ कि कैसी जगह है, और अब वहाँ पे जाके बहुत इमोशनल होते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। और जो विलेज का नाम है वो है खटखड़ कला, जहाँ पे ये प्लेस है। तो ये मेन हाईवे पे बना हुआ है म्यूज़ियम, और जो उनका घर है थोड़ा सा विलेज के अंदर जाके है। तो चलो चलते हैं। तो ये म्यूज़ियम नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से 5-6 किलोमीटर है, खटखड़ कला गांव का नाम है। उसके बाहरी मेन रोड पे ये, जब आप जलंधर की ओर जाते हो मेन रोड पे है ये। और जो उनका एंसेस्टर होम है, पूर्वजों का घर है, जहाँ पर उनका बचपन बीता है, वो बिल्कुल रोड के थोड़ा सा अंदर जाके है, खटखड़ कला विलेज में। तो गाइस, हम आए हैं शहीद भगत सिंह, उनका यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है, वो देखने के लिए आए हैं। हमारा यहाँ पे जो नवांशहर में जो सोनिया का घर है, वहाँ से थोड़ा ही पास है, लेकिन गाइस सड़कें यहाँ पे हाईवे एकदम, आई एम जस्ट रियली इम्प्रेस्ड। नवांशहर से यहाँ तक का जो रास्ता है ना, बहुत ही अच्छा। पंजाब में जो रोड इस टाइम हमने देखे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे डेवलपमेंट, बहुत अच्छा, रियली अप्रिशिएबल। सो ये गाइस म्यूजियम है बाहर से, यू कैन सी, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, नीट एंड क्लीन। लेकिन पार्किंग का अच्छा, ये देखो ये गेट था यहाँ से, हाँ हमने पीछे बाहर ही गाड़ी लगाई। म्यूजियम मंडे को क्लोज होता है, बाकी दिनों पे ये मॉर्निंग 10 AM स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, और कोई टिकट नहीं है, आप सिंपली जा सकते हो। कई एरियाज पे यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जस्ट थोड़ी सी क्लिप्स मैंने ऐड करी हैं। यहाँ पे आप उनकी बिलोंगिंग्स देख सकते हो, टाई है, उनकी पैंट्स हैं, वॉच है, जो उनकी पर्सनल थिंग्स थी वो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ संभाल के रखी हुई हैं। और स्टार्टिंग से लेके जर्नी उनकी एंड तक सेक्शन वाइज ये म्यूजियम में उन्होंने डिवाइड करा हुआ है। शहीद सरदार भगत सिंह वाज अ पोइट, फिलोसोफर, फ्रीडम फाइटर, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ अ फार्मर। तो उनकी बहुत सारी पोइम्स हैं जो वो जेल में लिखते थे, फ्रीडम फाइटिंग के ड्यूरिंग लिखते थे, वो सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे जेल का सिनेरियो, कि कैसे जेल में रहते थे, उससे लेके कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ, वो सब यहाँ पे संभाल के रखा है। यहाँ पे उनकी एशेज हैं, आप देख सकते हो। अभी गाइस हम लोग अंदर से जाके आ गए हैं बाहर, और मैं तो मतलब नवांशहर काफ़ी बार आया हूँ, सोनिया कभी लेके नहीं आई इधर, तो आज चलो बहाना भी बन गया और हम लोग आ भी गए। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने थोड़ा रेनोवेट भी किया है, अच्छा बनाया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग आते थे तो एक सिर्फ रूम था, और उसमें उनकी जो बिलोंगिंग्स थी वो रखी हुई थी पहले, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वैसे ही होगा, बट अभी बहुत बड़ा बना दिया इन्होंने, और काफ़ी अच्छा बताया हुआ है उनकी लाइफ के बारे में, स्टार्टिंग से लेके एक स्टोरी बताई हुई है कि छोटे होते थे तो वो मिट्टी में ऐसे लकड़ी की डंडियाँ वो करते थे, क्या करते उसको, जैसे बीजते थे, और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले कि ये इसमें ये बड़ी होके ये बंदूकें बन जाएंगी, फिर इससे हम ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अच्छा काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तो अगर पंजाब आते तो विजिट असेंबली में वो जो बॉम्बिंग हुई थी, जो करी थी भगत सिंह ने, तो वो बनाया हुआ है अंदर, वो आप एंटर करते हो तो एक्चुअल में वहाँ पे वो साउंड इफेक्ट वैसे हैं, तो एकदम अच्छा लगा देख के। वो क्या कहते हैं उसको, आप काफ़ी इमोशनल सा, काफ़ी अच्छा फील करते हो यहाँ पे आके। और उनकी मदर की इंटरव्यू वहाँ पे चल रही थी, जो रिकॉर्ड उन्होंने करी हुई थी, तो वहाँ पे मेंशन करा हुआ था कि वो अपने अंकल से बहुत इंस्पायर थे, और बचपन से उनमें यही काफ़ी, वैसे वो यंग एज में चले गए थे, पर काफ़ी बचपन से उनके माइंड में ये था कि इनको ये करना है। और कैसे उन्होंने अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने वहाँ पे 10th में DAV कॉलेज था वो छोड़ के नेशनल कॉलेज ज्वाइन करा, ताकि उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, और कि वो ब्रिटिश राज में जो भी है उनके साथ यू नो एकदम मुकाबला कर सके।
तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे थी, उनकी बिलोंगिंग्स जो उन्होंने जेल में लेटर लिखे हैं, जो उनकी क्लोथ्स हैं, लास्ट टाइम पे उन्होंने क्या पहना था, उनके एशेज, वो सब कुछ यहाँ पे मतलब अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे आप वो देख सकते हो। तो आई वुड से कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये म्यूज़ियम है और थोड़ा अंदर जाके वहाँ पे सड़क अंदर जाके उनका बर्थ प्लेस है। तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं। सो विलेज खटखड़ कला में आप एंटर करोगे, राइट साइड पे सामने आपको बहुत बड़ा पार्क दिखेगा और वहाँ सामने ही उनका घर है, जद्दी घर जिसको बोलते हैं, वो उनका घर है ये वाला, मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बना है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, देखो बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखा है उन्होंने। तो ये है उनका जद्दी घर जो कि अभी भी वैसे पुराने तरीके का आप देख सकते हैं, पास से जो ब्रिक है पुराने टाइम की ब्रिक है, और ये उनका मेन गेट है, बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही रखा हुआ है। जस्ट उनके डोर है वहाँ पे उन्होंने ग्लासेस लगा दिए है ताकि बाहर से आप देख सको, तो जस्ट आप बाहर से देख सकते हो। तो काफ़ी अलग अलग रूम है और यहाँ पे सामने वेल है, कुआ है, तो यहाँ पे शीशे से आप अंदर देख सकते हो, अंदर जाना अलाउड नहीं है। और इस जगह पे ये एक रूम है जहाँ पे चक्की है रखी हुई जिससे आटा पीसते हैं, तो क्योंकि पुराने टाइम पे आटा घर पे करते थे, और ये एक रूम है जहाँ पे पुराने तरीके के उनके बर्तन हैं, पीतल के, तांबे के, और अलमारी रखी हुई है, एक बेड है, और यहाँ पे चूल्हा है जिस पे खाना वगैरह बनाते थे। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है ये सारा सामान। और इस रूम में आप चरखा देख सकते हो जो कि लोग पहले के टाइम पे बहुत यूज़ करते थे, और उनकी फ़ोटो भी रखी हुई है यहाँ पे। तो बर्तन वैसे के वैसे ही है जैसे पहले टाइम पे थे, बिल्कुल अच्छी तरह रखे हुए हैं। सो गाइस, ये उनका जद्दी घर जहाँ पे जहाँ वो उनका बचपन सारा बीता है, तो इसको इन्होंने ऐसी अनटच्ड ही रखा है, लेकिन कुछ जैसे डोर वोर वो दिख रहे हैं वहाँ पे, वो पीछे वो डोर वगैरह उन्होंने लगा दिए हैं, तो बाहर से देख सकते हैं लेकिन थ्रू मिरर। यहाँ लिखा है फ़ोन यूज़ करना मना है, लेकिन किसी ने बोला नहीं तो चलता है। ये कुआं बना हुआ है, बहुत स्पेस भी काफ़ी है यहाँ पे, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे पुराने तरीके से उन्होंने मेंटेन करा हुआ है, और बहुत क्लीन है यहाँ पे, और जैसे आज से मैंने 20 साल पहले देखा था वैसे ही ये है आज भी। As this was all about this historical place जो हमने विजिट करा है, शहीद सरदार भगत सिंह जी का म्यूज़ियम, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली है। तो अगर आप आसपास हो, नहीं विजिट करा है, या बाहर से आ रहे हो पंजाब विजिट करने के लिए, तो ज़रूर आइए यहाँ पे, तो बहुत क्वाइट सा प्लेस है, बहुत काम प्लेस आइए। सो इसी के साथ ये व्लॉग फिनिश करते हैं। Welcome back with another vlog. And then stay happy, beautiful, bye.